बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं एजाज मतीन और आप देख रहे हैं एजाज मतीन ऑफिशियल चैनल। इस साल भी हज़्ब रिवायत 14 अगस्त को हमारे मोहल्ले के त्रिकोण पार्क में एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसका अहतमाम मोहल्ला कमेटी हर साल करती है और मोहल्ले के बड़े बूढ़े, खवातीन, नौजवान और बच्चे सब मिलकर यौम आज़ादी मनाते हैं। इस तकरीब का आगाज़ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब ठीक 12 बजे आतिशबाजी और फलक शगाफ नारों के शानदार मुजाहरे के साथ किया गया, जिसमें बच्चों, नौजवानों समेत अहले मोहल्ला की भी भरपूर दिलचस्पी देखने में आई और सब ने भरपूर एंजॉय करते हुए अपना हिस्सा डाला।
फायरवर्क शो यानी आतिशबाजी का ये प्रोग्राम रात देर गए तक जारी रहने के बाद बखैर खूबी अहतमाम पजीर हुआ। अगले दिन यानी 14 अगस्त को दिन 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए एक वैरायटी प्रोग्राम तरतीब दिया गया था हमेशा की तरह, जिसमें अहले मोहल्ला के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14 अगस्त पर तरतीब दिए गए इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब अब्दुल मजीद साहब प्रेसिडेंट नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी वेलफेयर कमेटी हैं, जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। तिकोन पार्क में तरतीब दिए गए इस प्रोग्राम में 71 के बुज़ुर्गों, अहले मोहल्ला, नौजवानों, बच्चों, ख़वातीन और फैमिलीज़ के साथ रक्षंदा पब्लिक स्कूल के तलबा और असातज़ा ने भरपूर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को जिन मौज़ज़ीन ने हमारी दावत कबूल करते हुए ख़ास तौर पर शिरकत फरमा कर इज़्ज़त बख्शी, इनमें हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सैयद शहजाद मजहर साहब, चेयरमैन UC1 सर सैयद टाउन, जनाब शाहिद ताज साहब SHO सर सैयद टाउन, जनाब अंजुम मिन्हास साहब जनरल मैनेजर अल एन सिक्योरिटी कंपनी, जनाब उमर मलिक साहब रिप्रेजेंटेटिव तहरीक इंसाफ और जनाब जुहैब साहब बिजनेसमैन शामिल हैं। और नजरियात की अशात का नाम है तो गुलामी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात का जनाजा अपने कंधों पर उठाने के लिए जिंदा दरगोर होने का नाम है। साथियों, ये आज़ादी हमें ऐसे ही हासिल नहीं हुई। आप अगर इस मुल्क में इतनी आज़ादी से सांस ले रहे हैं तो ये सांसें हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माओं ने, हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने लातादाद कुर्बानियों का नजराना पेश किया, चाहे वो जान की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, बच्चों की सूरत में हो या इज्जत और आबरू की सूरत में हो। लेकिन बेश बहा कुर्बानियों के बाद ही आज हम इस मुल्क में इतनी आज़ादी से सांस ले। यहाँ पे हलाल किया था, इसी सिलसिले में इनको जो है यहाँ पे ओनरशिप दी जा रही है। जनाब वक्कार अहमद भट्ट साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए, बहुत सारी तालियां इनके लिए। बहुत बहादुरी से इन्होंने जो है एक डाकू को मार गिराया था। जनाब SHO शाही साहब, ताज साहब और अंजुम साहब इन्हें शील्ड पेश करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाइक कर दीजिएगा, मगर एक मुस्कुराहट के साथ। फी अमान अल्लाह।